लेके आ रहे थे, उनको जो ही सैदों के मोहल्ले से निकले तो मेन रोड के ऊपर अचानक उनके ऊपर पथरावबाजी की, उनको तलवारों से इनसे काफ़ी मारा कूटा, लकड़ियों से मारा उनको। जितने भी रात भर हमने जहाँ जहाँ हमारे कावड़ यात्री जो बग के कई गाँव में चले गए थे उनको लाके एक जगह उनके परिवार वालों से मिलाया, और अभी हमने कह दिया पुलिस वालों को कि जो पहले भी हमारा जो 124 का जो राष्ट्रद्रोह का जो इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे उनमें 32 आदमी नामजद थे, उनमें 11 को ही पहले अरेस्ट कर पाए थे, बाकी बाकी बचे हैं उनको अगर पहले अरेस्ट कर लेते थे प्रॉब्लम नहीं आती, बाकी उनको भी अरेस्ट करने के लिए हमने पूरा प्रेशर बना रखा है भाई, किसी कीमत में जो दोषी है उनको तुरंत अरेस्ट करो। यहाँ कलेक्टर साहब SP सारा पूरा प्रशासन लगा हुआ और बहुत जल्दी इसके अंदर रिजल्ट देंगे जो दोषियों किसी कीमत में बख्श। प्रशासन की भूमिका यह है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ बिल्कुल सख्ती से कार्रवाई करें और उनको जहाँ जहाँ दबिश दे रहे हैं उनको दबिश दे रहे हैं और इसका रिजल्ट शाम तक हम आपको। यार कौन से इसमें साहब बताओ से अपन इधर चलें देखिए, जिस हिसाब का माहौल शहर में हुआ है मैं समझता हूँ कि कल शाम के टाइम कांवड़िए मालपुरा में निकल रहे थे, बीसापुर से पैदल लेके चल रहे थे, वो कांवड़िए जहाँ से जिस मोहल्ले से चल रहे थे उसमें पहले भी कई बार हंगामा हो चुका है, वहाँ पर हमारे कुछ दूसरे समाज के लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया, उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उसकी लड़ाई की, उसके बाद में वहाँ के निकलने के बाद में उसमें बात हुई। मैं समझता हूँ शाम के टाइम में हमारे MLA साहब भी आ गए, सब आ गए, बात शांतिपूर्ण हो चुकी, उसके बाद में अभी मस्जिद से पथराव करना, उस साहब से अवैध जवानियों पर कब्जा करना, ये इस टाइप का माहौल बनाया हुआ है। पहले भी आप सबको मालूम है कि मालपुरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग चुके हैं और जिस साहब का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ये संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमारे साथ गलत हो रहा है। अभी जिस हिसाब से माननीय मुख्यमंत्री की जिस हिसाब से रैलियाँ चल रही हैं, जिस हिसाब से गौरव यात्रा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी का जिस हिसाब से कद बढ़ता जा रहा है, उस हिसाब से कांग्रेस के पास कोई और तो मुद्दा है नहीं। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ जो एक कांग्रेसी लोग हैं वो इस बात को मुद्दा को बनाना चाहते हैं कि BJP के राज में लोग ये दुखी हैं, लोगों में जातिवाद की बात हो रही है, जाति धर्म की राजनीति कर रही है, लेकिन हमारी तरफ से ना पहले कभी ऐसा होता ना आज कभी है। हम सब ने सबको अपील की है कि किसी प्रकार का भी कोई वायलेशन ना होना चाहिए, जो भी लोग हैं अपने शांति से रहें, लेकिन इतना जरूर मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि जिस टाइप की हरकत हमारे साथ बार बार हो रही है वो निंदनीय है, उसको हम बार बार महसूस करते हैं और बार बार उस बात को झेल भी रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस की बहुत बड़ी साजिश है, इसको हम बार बार फिर से घोर निंदा करता हूं कि जो भी लड़ाई लड़नी सामने आने लड़ें ना कि पीछे से वार करें। देखिए फोर्स पर्याप्त है मालपुरा में, कर्फ्यू लगा दिया गया है, किस तरह से कर्फ्यू? मैं समझता हूं जिससे आपका माहौल वहां क्रिएट हुआ हुआ है, कलेक्टर SP सारे फील्ड में हैं, मौके पर हैं, और आयुक्त भी वहाँ आया हुआ है, अपने IG भी वहाँ आए हुए हैं, और फोर्स भी पर्याप्त है, फोर्स और भी बुला ली गई है, तो मैं समझता हूँ किस प्रकार का ऐसे कोई अभी वातावरण नहीं है, अगर जो कहीं असमंजस की स्थिति है सब शांत हो गए, शांति है। फोर्स की जरूरत पड़ेगी, मेरे ख्याल जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ेगी तो और मंगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कोई अभी ऐसा कोई मामला नहीं है कि आपस में कोई तनावपूर्ण कई तरफ से है। सिर्फ मैंने बताया ना कि ये लोग बार बार ना जानबूझ के इस बात को करते हैं, और ये फिर मैं दोबारा कहूँगा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कांग्रेस इस बात को कैश करना चाहती है, कभी गाय के मुद्दे को उठा लेती है, कभी जाति धर्म के मुद्दे को उठा लेती है, ये इस टाइप का माहौल इन्होंने क्रिएट किया हुआ है।